रजत सेठी हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ रहे हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। रजत, ये जो रिपोर्ट आई है इसकी टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसी तमाम शक्तियां लगातार काम करती हैं कि बाजार को अस्थिर किया जाए, राजनीतिक हालात को अस्थिर किया जाए, और कुछ लोग उसमें मदद भी करते नजर आते हैं। तो रजत, इस रिपोर्ट जो कि सत्यता से परे है, क्या इसमें आपको साजिश की बू आती है? देखिए, बात आपकी सही है, क्योंकि जब जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा होता है उसी के दरमियान, उसी के बीच में ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जो कि ज्यादातर अगर देखा जाए ऐसे रिपोर्ट्स अनसब्सटेंशिएटेड रहती हैं। अगर हिंडनबर्ग को अगर आप देखें, उनके पिछले एनालिसिस को जो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी अदानी ग्रुप पर, अगर आप उस रिपोर्ट के बाद जो उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे थे कि उसमें कई सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइनीज नेशनल उस रिपोर्ट को स्पॉन्सर कर रहे थे, उसका खंडन, उसका एक्सप्लेनेशन आज तक हिंडनबर्ग ग्रुप ने नहीं दिया। तो जब उंगलियां उनके ऊपर उठती हैं तब तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, दूसरों पे उंगलियां लगाने में उनको मजा आती है। तो जब तक कि थोड़ा बहुत सब्सटेंशिएटेड रिसर्च नहीं करें, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएस की शॉर्ट सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर शोभा नहीं देता, ये उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर आपको आपके ऊपर एक्यूजेशंस किए गए थे कि आप चाइनीज नेशनल के इंटरेस्ट को साधने के लिए ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, उसके खंडन के लिए उन्होंने आज तक ऐसा कोई व्हाइट पेपर पब्लिश किया हिंडनबर्ग रिसर्च ने? अगर नहीं किया तो वो दूसरे के कनेक्ट्स और उन सब के ऊपर में उंगली कैसे उठा सकते हैं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरी रिपोर्ट अगर आप देखें तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिन का जीवन का आधा घंटा तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पूरी रिपोर्ट में कहीं कुछ भी अनसब्सटेंशिएटेड एक्यूजेशंस के अलावा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने एक्यूज करना है तो कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन के बाद कॉजेशन बताना चाहिए उनको कि देखिए ये ऐसे ऐसे हुआ, इन इन मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज में ये रहा उनका स्टेक सेबी की चीफ का। वहां तक उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, बात फिजूल की ये कर रहे हैं कि राइट्स में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही थी सेबी की चेयरमैन, इसलिए उनका कोई ना कोई कनेक्शन है। ये सब बिल्कुल ल्यूडिक्रस एलिगेशंस हैं। मैं एक्सपेक्ट करता था कि इस बार इन्होंने थोड़ा समय ज्यादा था, शायद अच्छी रिसर्च करके लेकर आते, लेकिन शायद राजनीतिक हित ज्यादा जरूरी है कि देश का पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसके बीच में जल्दी जल्दी से कोई ना कोई रिपोर्ट लेकर एक पॉलिटिकल घमासान मचाना है, सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट है उनका, उसके बियॉन्ड मुझे कुछ सीरियसनेस दिखती नहीं है इस रिपोर्ट में। बिल्कुल रजत, देखिए देश का संसद का सत्र चल रहा है, इससे पहले भी हमने देखा जब इनकी रिपोर्ट आई थी तब भी संसद का सत्र चल रहा था, और साथ ही साथ आप चीनी नागरिक के हित को साधने की बात कर रहे हैं। मैं इस बारे में आपसे और विस्तार से जानना चाहता हूं कि आखिरकार हिंडनबर्ग के पीछे वो विदेशी ताकतें कौन है जो भारतीय बाजार को अस्थिर करना चाहती है, भारतीय राजनीति को अस्थिर करना चाहती है, टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल मुझसे है कि रजत जी से? मैं रजत जी से सवाल पूछ रहा हूँ। रजत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। जी, जो आप जो आपने राजनीतिक प्रश्न पूछा वो तो राजनीतिक जानकार अच्छा इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सस्पेक्ट तो है ही है टाइमिंग, और जिस तरह से इस बेट को तुरंत विपक्ष लेने की कोशिश करता है। जांच देखिए, मैं निष्पक्ष जांच की पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, अगर ऐसा कुछ है, अगर कुछ टैंजिबल एविडेंस रखे होते हिंडनबर्ग रिपोर्ट में तब तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप चलते फिरते किसी को भी एक्यूज कर दें और उसका इस्तीफा अगले दिन मांग ले विपक्ष, तो ऐसे तो पूरी सरकार को ही आप एक्यूज कर दीजिए, अगले दिन पूरी सरकार से इस्तीफा मांग लीजिए, तो ऐसे कुछ चलता नहीं जब तक कि प्राइमा फेसाई आपने इस्टेब्लिश नहीं किया हो कि सेबी की चीफ का ये इक्विटी या ये स्टेक है मॉरिशस बेस्ड फंड्स में। जब तक ये इररिफ्यूटेबली आप नहीं जस्टिफाई करते तब तक मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट को एक भी % सीरियस लेने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे तो एक्यूजेशन आप किसी में भी कर सकते हैं, लिखने में और एक रिपोर्ट पब्लिश करने में किसी का कुछ नहीं चाहता, और मोटिवेटेड एंटिटीज का तो और भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। तो मुझे लगता है इस रिपोर्ट को, इसकी जो हैसियत थी उसको सारे बड़े जानकार इसको नकार रहे हैं, क्योंकि प्राइमा फेसाई उन्होंने कोई भी लिंक एस्टैब्लिश नहीं किया इस रिपोर्ट में। देखिए रजत जी का कहना है कि इसको वहीं पे उतनी ही सम्मान देना चाहिए जितना इसको कितनी हड़बड़ी में लिखी गई है, उससे ज्यादा नहीं।
बिल्कुल, रजत जी का कहना है कि रिपोर्ट हड़बड़ी में बनाई गई है, बिल्कुल भी इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और इस रिपोर्ट को हर जाना माना अर्थशास्त्री सिरे से खारिज कर रहा है और इसके पीछे साजिश की भी यहां पर तमाम चीजें, तमाम जो जानकार हैं वो बता रहे हैं। और रजत सेठी ने एक बड़ी बात यहां पर बताई है कि चीनी नागरिक के हित को साधने के लिए ऐसी रिपोर्ट यहां पर हिंडनबर्ग के द्वारा छापी जा रही, लेकिन हिंडनबर्ग अपने ऊपर लगने वाले किसी भी आरोप का जवाब नहीं देता है, उससे भागता रहता है और उसके बाद बिना सिर पैर के कुछ ऐसी रिपोर्ट यहां पर हिंडनबर्ग की तरफ से जारी की जाती है।